नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो जीके के क्वेश्चन हैं, रेलवे एग्ज़ाम, आरपीएफ, एसआई एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हर बार आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूँ, सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन हैं, तो इन पर कृपया आप ध्यान दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इसे कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अदरवाइज़ क्वेश्चन के लिए भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो और जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी नोटिफिकेशन मिलेंगी गवर्नमेंट्स जॉब से रिलेटेड भी। तो वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो के नीचे दिया गया और बाजू में घंटी का चिन्ह है, घंटी को दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो सीधा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सीधा पॉइंट पर आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की किस जिले में स्थित है? यहाँ पर दिया गया है देवास। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जिसने जिला अवधारणा को अपनाया गया था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में परमार वंश के कौन थे? कृष्ण राज। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर साल के वृक्ष हैं? 16.54%। मध्य प्रदेश का मैगजीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम बुलंदखंड के किस प्रसिद्ध शासक शिशुपाल की राजधानी कहाँ थी? चंदेरी। राज्य में चंबल नदी पर प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नाम से लागू की गई? गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश में श्वेत संगमरमर कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य भारत में। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा 11,815 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भोपाल 2772 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट 1022 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा 4,74,416 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिले थे? 45 जिले थे। कौन सा प्राणी मध्य प्रदेश के अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाता है? चीतल। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? संजय नेशनल पार्क। क्षेत्रफल 1471 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही। रेप्टाइल पार्क के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? पत्रा अभयारण्य। मध्य प्रदेश का गैस आधारित उर्वरक कारखाना किस जिले में स्थित है? गुना। राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? महू। मध्य प्रदेश में किस वर्ष विधानसभा में नवीन पंचायत राज्य अधिनियम पारित हुआ? 30 दिसंबर 1993 में हुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में गेटवे ऑफ मालवा कहा जाता है? गुना। मध्य प्रदेश के किस स्थान में लोक कला प्रसिद्ध अवस्थित है? भोपाल। किस वर्ष मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई थी? 1969 में। भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में। किस वर्ष मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी? वर्ष 1954। किस वर्ष मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी स्थापना की गई? वर्ष 1979 में। राज्य की दीनदयाल समर्थ योजना का लक्ष्य क्या है? मानसिक व शारीरिक रूप से निशुल्क लोगों का उत्थान। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कौन सा है? गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले में सफ़ेद भोर
मिलते हैं। रीवा मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा है? इटारसी। मध्य प्रदेश में सरसों के उत्पादन के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? भिंड व मुरैना। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयल भंडार कहाँ स्थित है? सोहागपुर। मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा? खंडवा व खरगोन। भारत में सोयाबीन उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन के लिए कौन से जिले प्रमुख हैं? खंडवा खरगोन। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ग्वालियर। तो मैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं जो जीके के क्वेश्चन हैं, रेलवे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप रिवाइज करें, और मध्य प्रदेश के टोटली यहाँ पे क्वेश्चन दिखाए गए हैं, और मैं और भी आगे क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में घंटी का चिन्ह है उसको भी दबाएँ, और अपनी तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जीके के साथ। नमस्कार।